दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग डिवीजन के कुछ स्टेप्स देखेंगे जिनसे हम अपनी कैलकुलेशन के स्टेप्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वैसे तो कोई ये मैजिक नहीं है, इसके पीछे जो लॉजिक है इसको आप समझने की कोशिश करना। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशंस को। अब आपने देखा कि कोई भी 5 का मल्टीपल है, अगर आप उस 5 के मल्टीपल से किसी भी एक्स नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो हम वहाँ पर सर्टेन स्टेप्स में अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 से डिवाइड करते हैं, 50 से करते हैं, 125 से करते हैं, 250 से करते हैं, तो यार इनमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं। अब जैसे मैं कहूं 4130, इसको आपको 5 से डिवाइड करना, तो यार अगर आपसे कोई कहे कि आप इस नंबर की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हुआ, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8 हो गया। अब आपको कहा कि 4130 को 5 से डिवाइड करना है, लेकिन आपको डिवाइड करने की जगह मैं कह दूं कि आप इस नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करो और एक अंकों के बाद दशमलव लगा दो, आगे 826, ये हो गया आपका आंसर। तो यार ये थोड़ा सा इजी है डिवाइड करने के मुताबिक। अगर हम नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करें तो उसका डबल ही तो करना हो रहा है, ओके। तो इसके पीछे प्रोसेस क्या चल रहा है, देखो बात हो रही है 5 से डिवाइड करने की। तो आपने क्या किया कि नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करो और एक अंकों के बाद दशमलव लगा दो। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यार हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर एक्स है, अगर आप उसको 5 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब आप एक्स को क्या कर रहे हो कि 10/2 यहां पर कर दोगे, 5 की जगह 10/2 कर दोगे, तो ये 2 जो है ये x के साथ आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, और डिवाइड बाई 10, तो मतलब क्या करना है, नंबर का डबल कर दो। तो 2x करने का मतलब जो x नंबर था इसका हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि एक अंकों के बाद दशमलव हमें प्लेस कर देना है। तो ये थोड़ा सा ईजी है, देखो एक बार इसको ट्राई करते हैं, 2375, तो इसका डबल कर दो। यार ये क्या हुआ, 5 × 2, मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 0 हुआ, 2 × 7 = 14 और 1 = 15, फिर एक बचा, 2 × 3 = 6 और 1 = 7 और 2 × 2 = 4, 4750 आया, एक अंकों के बाद दशमलव लगाया, कितना आ गया, 475। तो देखा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि नंबर जब 5 से डिवाइड करने को कहा जाए तो यार मैं डबल करूंगा और एक प्लेस के बाद क्या है, डेसिमल वहां पर रख दूंगा, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है तो यहां पर आपको क्या करना है, डबल कर दो, 5 से डिवाइड करना है ना, इसलिए तो देखो ये 0 हो गया, 2 × 9 = 18 हुआ, एक कैरी बचेगा लेकिन यहां पर 0 है तो 1 यहां पर आ जाएगा, 2 × 3 = 6 हुआ और 0 यहां पर आएगा, 2 × 9 = 18 हो गया। तो देखा 1806180 आया। अब क्या करना, एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा दो, कितना आ गया, 180 618, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन क्या है कि जब हम 25 से करेंगे या 125 से करेंगे तब आपको इस लॉजिक की अहमियत पता चलेगी कि यार ये कितना आपके लिए आसान है। तो यार मैं यहाँ पर 25 से करने वाला हूँ अब, ठीक है। तो देखो 25 से इसको डिवाइड करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये नंबर आपका x है तो आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना और 2 प्लेस के बाद में दशमलव लगा देना, देखो 2 प्लेस, ठीक है। अब ये कैसे आसान है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 1 बचा, 4 × 8 = 32 और 1 = 33, 3 बचा, 4 × 9 = 36 और 3 हो गया 39, 2 प्लेस के बाद दशमलव लगाया, कितना आया, 393.28 आ गया। अब इसके पीछे भी वही फंडा चला है, 25 को क्या लिखा, 100/4। तो आपने देखा कि अगर x को जब 25 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, x को 10/4 डिवाइड कर रहा है, तो 4 ऊपर आकर क्या बन गया, 4x, और आपका ये 100/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 100 आ गया, 100 का मतलब कि 2 प्लेस के बाद हमें दशमलव लगाना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसा ही कुछ कुछ यहाँ पर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लिखा है ये 9832 है, तो इसकी जगह पर हम कोई और नंबर ले लें, जैसे मैंने ले लिया 3123 एज्यूम कर लो, और इसको हम लोग 25 से डिवाइड करें, तो क्या करना है, नंबर का 4 से मल्टीप्लाई करो और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना। देखो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, तो देखो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया, कितना आया, 124.92, तो यार ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, ओके। अब थोड़ा सा 50 से करना है, यार 50 से करना तो भाई हुआ कि जो 5 से आप करते थे, ठीक है। तो देखो 50 से करना कैसे हुआ, कि 50 से करने का मतलब है कि अगर आप 100/2 कर दो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि इस नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करो
और दो प्लेस के बाद, ठीक है, दो प्लेस के बाद क्या करो, डेसिमल पुट कर दो, ठीक है, दशमलव लगा दो। तो यार यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हम करने वाले हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है 8 3 5 6 9 0, तो यार इसकी दो से करोगे तो कितना, जीरो आ गया। 2 × 9 18 का 8 1, 2 × 6 12 और 1 13, 1 बचा। 2 × 5 10 और 1 11, 1 बचा। फिर से 2 × 3 6 और 1 7 और 2 × 8 16, तो कितना आया, 1671380। दो प्लेस के बाद दशमलव लगाया तो कितना आ जाएगा, 16713.8, ठीक है। तो यार 50 वाले में यही कर लेना, 100/2 ये फंडा बैकग्राउंड प्रोसेस के तौर पर यहां पर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलो अब हम 125 वाला समझ लेते हैं। देखो 125 वाला भी इजी है, 125 वाले में आपको वही स्टेप करना है जो अभी तक मैंने बताया। देखो 125 को लिखने का तरीका क्या है, 1000/8, ये आप करोगे कितना आ जाएगा, 125 आएगा, क्योंकि 125 × 8 करने पर मुझे 1000 मिल रहा है। तो हम ऐसे नंबर में उसको ब्रेक कर रहे हैं कि हमें 100 मिले, 10 मिले, 1000 मिले, 10,000 मिले, तो उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन जाएगी। तो अगर किसी भी नंबर को आपको 125 से डिवाइड करना है तो ओके, और तीन प्लेस के बाद, यहां पर ध्यान रखना, तीन प्लेस के बाद क्या कर लो, दशमलव पुट कर सकते हो। तो यार वही मैं करने वाला हूं। अगर मैं 3375 लिखा है, इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 8 × 5 40, 4 बचा, 8 × 7 56 और 4 60 बचा, तो 0 6 यहां पर, 8 × 3 24 और 6 30, 3 यहां पर, 8 3 24 और 24 और 3 कितना हुआ, 27, ठीक है। अब क्या करना है, तीन प्लेस के बाद में दशमलव लगाना है, तो यहां पर कितना रिजल्ट आ गया, 27 आ गया। देखो 125 से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तब भी आपका 3 आएगा, ओके। तो अल्टीमेटली बैकएंड प्रोसेस जानना ज्यादा जरूरी है ताकि हम इसको रटे ना, कि अगर हमने कह दिया यार 8 से करो और तीन प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, तो ऐसा नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है, 125 को लिखने का तरीका है 100/8, इस वजह से हमने 8 से मल्टीप्लाई करके ये किया, ओके। एक नंबर और लेते हैं जिसको हम 125 से डिवाइड करेंगे। मैंने नंबर लिया 122575, तो यार 125 से डिवाइड करना है, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि इंटू 8 करो और थ्री प्लेसेस के बाद में क्या करो, आप डेसिमल लगा दो। तो यार देखो इंटू 8 करना आसान है, कैसे करोगे, देखो 8 × 5 40 हुआ, 4 बचा, 8 × 7 56 और 4 60, तो 0 यहां पर, 6 यहां पर। अब देखो 8 × 5 40 और 6 46 हुआ, तो 6 यहां पर आया, 4 बचा, 8 × 2 16 और 4 20, तो 2 बचा। अब 8 × 2 16 और 2 18, ये 1 बचा, 8 × 1 8 और 1 9, तो कितना आया, 980600। अब देखो थ्री प्लेस के बाद लगाओगे तो कितना आएगा, 980.6, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 980.6 आ जाएगा, ओके। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर कोई और नंबर आ जाए तब क्या करना, तो जैसा देखा आपने थंबनेल पर लिखा हुआ है ये 250 से करना है। तो यार फंडा भाई है, 250 को क्या लिखोगे, 250 आपका है 1000/4, तो आप क्या करो, नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और तीन प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देना, मतलब कि 1000 से आप इसको डिवाइड करो। तो यार ये इजी है, 4 × 5 कितना हुआ, 20, 0 यहां पर, 2 ये, 4 × 1 4 और 2 6 हुआ, फिर देखो 4 × 1 4 और फिर से 4 × 8 32, 2 3 यहां पर, फिर 4 × 4 16 और 3 19, 1 यहां पर, फिर 4 × 1 4 और 1 5 हो गया, फिर 4 3 12, 1 आपका बचा, 4 × 1 4 और 1 5, तो इतना हो गया। तीन प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है तो क्या आएगा रिजल्ट, 52592.46, ठीक है यार, इतना निकल कर आ जाएगा। इसी फॉर्मेट में हम इस तरह कैलकुलेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों कुछ कैलकुलेशन मैं आपके लिए दे रहा हूँ यार, आप लोग ट्राई करके मुझे कमेंट में बताओ। जैसे पहले कैलकुलेशन है 125 से डिवाइड करना, तो यहाँ पर लिखा है 3376125। अभी मैंने आपको बताया कि जब 125 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, इस नंबर में 8 की मल्टीप्लाई और थ्री प्लेसेस के बाद में क्या करना है, दशमलव लगा देना है। 25 वाला फंडा आपको बताया कि कभी भी 25 को करेंगे तो रिवाइज कर लेना एक बार, क्या करना होगा, 25 को लिखते हैं 100/4, मतलब 216722 लिखा है, 25 से डिवाइड करना, तो अब क्या करोगे यार, इसमें 4 की मल्टीप्लाई और दो प्लेसेस के बाद में क्या है, दशमलव लगाना। तो ये भी ऑलमोस्ट इजी है, मैं चाहता हूं कि यार आप लोग कमेंट में रिप्लाई करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोग खुद से बनाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप अंदर आ जाता है, ओके।
तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये ट्रिक थोड़ी सी समझ में आई होगी। वैसे बहुत बड़ा इसका स्कोप तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर 125 है या फिर 50 है, 225 है, तो इनसे हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में यार फिर मिलेंगे। आई होप यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर लो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।